Next is mid bank. ठीक है, मिड बैंक में दो पार्ट बताए थे, एक मैंने बताया था कारपोरा क्वाड्रेंट या महिला, और दूसरा मैंने बोला था दैट इज सेरिब्रल पेडेंटल। ठीक है, कारपोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में जानेंगे। इसमें क्वाड्री मतलब मालूम है आपको, फोर लोब्स होते हैं और इनसे जो नर्व्स निकलते हैं वो ऑप्टिक चियास्मा का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं दैट इज ऑप्टिक चियास्मेटा। आपने सुना था ना सेल डिवीजन वाले, ऑप्टिक चियास्मा, दिस वन इज सुपीरियर फॉलिकुलस, दिस वन इज इंफीरियर फॉलिकुलस। जो सुपीरियर फॉलिकुलस होता है इट इज रिलेटेड विथ साउंड रिफ्लेक्स एयर, और इंफीरियर इट इज रिलेटेड विथ विजुअल रिफ्लेक्स। और जो इंफीरियर होता है, इंफीरियर इज रिलेटेड विथ साउंड रिफ्लेक्स। विजुअल रिफ्लेक्स मतलब अगर किधर से लाइट आपको दिख रही तो आपका जो हेड टर्न हो जाएगा वो इस कारण से हो पाएगा, और साउंड रिफ्लेक्स में अगर साउंड पे अगर आप मुड़ के देखते हो तो इस कारण से आपको हेड टर्न इस कारण से हो पाता है साउंड रिफ्लेक्स के कारण। ठीक है, ये ऑप्टिक चियास्मा बनेगा, ये रहेगा आपका जिसको हम लोग बोलेंगे दैट इज कारपोरा क्वाड्रिजेमिना। सेरिब्रल पेडेंटल के बारे में बोलते हैं, सेरिब्रल पेडेंटल ये ज्वाइन करता है फोर ब्रेन को इससे हाइंड ब्रेन के साथ, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ ज्वाइन करता है। ठीक है, इन केस ऑफ मिड ब्रेन नो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट, कोई वेंट्रिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन यहां पर होता है एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस, या इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज आइटर। ठीक है, ये क्या करता है, डायोसिल को मेटासिल से कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स थर्ड वेंट्रिकल टू फोर्थ वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल क्या है, दैट इज डायोसील, और ये क्या है दैट इज मेटासील। और आपको मालूम होना चाहिए जो दो लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पैरासील। ठीक है, तो डायोसील को मेटासील से कनेक्ट करता है आइटर या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। अपन बोलेंगे कि जो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस थ्रू इट सीएसएफ फ्लो, इसके थ्रू सीएसएफ फ्लो करता है, ये रहा आपका मिडब्रेन। इन केस ऑफ मिड ब्रेन प्रेजेंस ऑफ एक न्यूक्लियाई होता है जिसको हम लोग सबस्टेनिया निग्रा बोलते हैं। ठीक है,
डार्क कलर्ड होता है, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर यूज करता है डोपामाइन, ठीक है ना, एंड इट इनहिबिट्स इनवॉल्यूटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन वही है इसका। इट आल्सो यूजेस न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज डोपामाइन। और आपको मालूम है डोपामाइन एक्साइटेटरी है, इनहिबिटरी है, इनहिबिटरी है, तो इट आल्सो यूजेस डोपामाइन एंड इनहिबिट्स इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स के इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करें, ठीक है। ये भी आप इसी में ऐड करें। सबस्टैनिया निग्रा इज अ न्यूक्लियाई, यह लिखा है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियाई, सबस्टैनिया निग्रा इज अ न्यूक्लियाई, डार्क कलर, आल्सो यूजेस न्यूरोट्रांसमीटर, इसको बोलते हैं डोपामिन। डोपामिन क्या करता है, ये इनहिबिटरी होता है, ये इनहिबिट्स करता है किसको, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल को इनहिबिट करता है, क्लियर, ठीक है। हाइंड ब्रेन में आपको मालूम है सेरिबेलम है, मेडुला है, कौन, तो सबसे पहले सेरिबेलम। सेरिबेलम मतलब होता है लिटिल सेरिब्रम, क्या ये लिटिल सेरिब्रम, ठीक। अब याद रखिएगा जो सेरिब्रम था दैट वाज साइट ऑफ इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस का साइट था, और ये क्या है याद रखिएगा, सेरिबेलम ये बैलेंसिंग के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने के। जो सेरिबेलम होता है इसमें भी टू हेमिस्फीयर होते हैं, इसमें भी दो हेमिस्फीयर होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम हेमिस्फीयर। इसका स्ट्रक्चर कैसे आता है, ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, एक इस साइड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जब इनको सेक्शन करके देखेंगे, कट करके देखेंगे तो ये कैसे दिखाई देंगे, रफ डायग्राम है, इज नॉट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इस तरह से आपको दिखाई देगा, क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रे मैटर, क्या बोलेंगे, ग्रे मैटर बोलेंगे, यहां पर होगा उसको हम लोग व्हाइट मैटर बोलेंगे, और दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो दिख रहा हमको दिस वन, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ट्री लाइक अपीयरेंस दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्बर विटी, क्या बोलते हैं, आर्बर विटी बोलते हैं, या इसी को हम लोग ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं, दिस वन इज आर्बर विटी, या इसी को बोलते हैं दैट इज ट्री ऑफ लाइफ। सर ग्रे मैटर जिसको अपन बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, प्यार से पढ़िए आराम से,
और इसको क्या बोलते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रल, दिस वन सेरिब्रल मेडुला। याद रखिएगा यहाँ पर जो कॉर्टेक्स होता है, ये कॉर्टेक्स थ्री लेयर्ड होता है। कितना लेयर का होता है? थ्री लेयर कॉर्टेक्स होता है। और मोस्ट कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन दैट इज पुर्किंजे न्यूरॉन उसको बोलते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। लिख लेंगे मोस्ट कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज पुर्किंजे न्यूरॉन। Is present in cerebral cortex. Here, जो cerebellum होता है, सुन लीजिए please, जो cerebellum होता है, cerebellum controls involuntary actions mainly balancing. अगर आप pen से fine handwriting करते हैं, that is under control of cerebellum. Alcohol first attacks on cerebellum. तो अल्कोहलिक जो होगा वो फिंगर टिप से नोज को टच नहीं कर सकता। ये आपको ये चीजें पूछी जाती, वो भी आप नोट कर लेंगे। सेरिबेलम कंट्रोल्स इनवॉल्ट्री एक्शंस मेनली बैलेंसिंग। स्ट्रेट लाइन जो चल पा रहे बैलेंस बना के, मेनली बैलेंसिंग, जैसे सच एज फाइन हैंड राइटिंग, जैसे निडल में आप थ्रेड डालते हैं उसको भी इसी में आएगा। और हम लोग बोलेंगे दैट अल्कोहल फर्स्ट अटैक और सेरिबेलम, पहले सेरिबेलम पर अटैक करता है। इसीलिए जो अल्कोहलिक होता है वो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट नहीं करता, वो जिगजैग मूवमेंट करता है, उसका बैलेंसिंग उसका गड़बड़ होता है। क्लियर डॉक्टर? आज सेरिबेलम के बाद नेक्स्ट इज पॉन्स। पॉन्स के बारे में जान लीजिए, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन ब्रेन। ठीक है, पॉन्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन ब्रेन। मैमेलियन ब्रेन का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉन्स। पॉन्स को हम लोग न्यूमो टैक्सिक सेंटर भी कहते हैं। पॉन्स को हम लोग न्यूमो टैक्सिक सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, न्यूमो टैक्सिक सेंटर याद रखिएगा। इट कंट्रोल्स वेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। कितनी गहराई से आप सांस लेते हैं वो कंट्रोल करता है डीप ब्रीदिंग को, दैट इज पॉन्स। नेक्स्ट इज मेडुला। मेडुला अपना जब हमने ब्रेन बनाया था, एक इस तरह से बनाया था, और यहां से फिर मैंने स्पाइनल कार्ड शुरू किया था, याद होगा आपको। तो मेडुला एक्सटेंड्स इनटू स्पाइनल कार्ड, मेडुला एक्सटेंड्स इनटू स्पाइनल कार्ड। एक बात और याद रखिएगा, जो मेजर डिफरेंस है वो आपको याद करना,
मेडुला में जो ग्रे मैटर होगा, जनरली ग्रे मैटर आउटसाइड होता है और व्हाइट मैटर इनसाइड होता है, बट इन केस ऑफ मेडुला द ग्रे मैटर इज इनसाइड इंटरनली होता है और व्हाइट मैटर एक्सटर्नली होता है। इन मेडुला ग्रे मैटर इंटरनल एंड व्हाइट मैटर एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है। मेडुला में हम लोग बोलते हैं, मेडुला में वेंट्रिकल है, इन मेडुला फोर्थ वेंट्रिकल, और फोर्थ वेंट्रिकल है मेडुला में, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज मेटासील। ठीक है, इसमें दो आपको अपर्चर्स मिलते हैं, मेडुला में दो अपर्चर्स मिलते हैं। जब आपने इस डायग्राम को देखा होगा, इस तरह से इस डायग्राम को देखे थे। थोड़ा सा अगर रिकॉल करेंगे तो याद रखिएगा, इसको मालूम है आपको, ये ब्रेन बॉक्स के अंदर ब्रेन को बंद कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर था, ये तो स्केल्टन वाला पार्ट है, ठीक है, बोनी पार्ट। के बाद यहाँ पर पाया गया था दैट इज ड्यूरा मैटर, जो रेड कलर से इंटरनली लाइट कर रहा हूं, दिस वन इज ड्यूरा मैटर। बहुत आराम से समझेंगे तो शायद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लर्न कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया ड्यूरा मैटर। ठीक है जी, ड्यूरा मैटर के बाद दैट विल बी सब ड्यूरल स्पेस। क्या होगा यहाँ पे, मैंने बता दिया सब ड्यूरल स्पेस। देन होता है अरेक्नॉइड, ये हो जाएगा सब अरेक्नॉइड स्पेस। सब अरेक्नॉइड स्पेस में फील्ड होता है दैट इज सीएसएफ, याद है आपको। यहाँ पर वेंट्रिकल्स बनाए थे मैंने, ठीक, दो लैटरल वेंट्रिकल, फिर एक बनाया था जिसको हमने बोला था दैट इज डायोसील बनाया था। डायोसील के बाद दिस वाज एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के बाद नेक्स्ट आता है दैट इज फोर्थ वेंट्रिकल इज मेटासील। क्लियर है, मेटासील जहां पे है, ये मेडुला वाला पार्ट है। मेडुला में ही दो अपर्चर्स होते हैं, जो दो अपर्चर होते हैं उसमें इन मेडुला, बहुत आराम से देखिए, मेडुला में टू अपर्चर्स होंगे। कौन कौन से दो अपर्चर होंगे, एक को अपन बोलेंगे दैट इज फोरामेन लॉजिका, और दूसरे को अपन बोलते हैं दैट इज फोरामेन मैगेंडी। ये जो फोरामेन लुचका होता है, इसकी पोजिशनिंग पूछी जाती है, ये लैटरल होती है और ये इसकी पोजिशन जो होती है ये मेडियन होती है। ये भूले ना कभी तो याद रखेंगे, कभी भूले ना। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं
इन्हीं एपर्चर्स के थ्रू, इन्हीं एपर्चर एक्चुअली सीएसएफ फ्लो किससे कर रहा है, मेटासेल के थ्रू फ्लो कर रहा है, और इन्हीं एपर्चर के थ्रू यहीं पर बोलेंगे जो थ्रू दीज अपर्चर्स द फोर्थ वेंट्रिकल opens into sub arachnoid space. समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? इन्हीं apertures के थ्रू सब arachnoid space में open होता है. ये थोड़ा सा diagram, अगर हम इसको बस ये जान लो, ये हमने वो सब न्यूरल लगा दिया है, ये सब arachnoid space है. ठीक है, इसी में ध्यान से सुनिएगा, इसी में सब सीएसएफ है. फ्लो किसके थ्रू कर रहे हैं? फ्लो, ये फ्लो करता जा रहा है वेंट्रिकल्स के थ्रू, ये फ्लो करता जा रहा है और सब अरेक्नॉइड स्पेस में ओपन हो रहा है. सब अरेक्नॉइड स्पेस में किसके थ्रू? फोरामेन लुचका और फोरामेन मैगेंडी के थ्रू ओपन हो रहा है. नेक्स्ट अपन बोलते हैं, इसीलिए अब यहाँ पर जो फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल इट इज ऑल्सो लाइंड बाई एपेंडाइमा, लाइट बाई एपेंडाइमा. ठीक, ये भी क्या करेगा? सीएसएफ रिलीज करेगा. ठीक, यहां पर इसके पहले अगर आप लिखे करिए, सुनिए, शुरू में जो सीएसएफ के लिए बात किया था, हियर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस. क्या होता है यहां पर? एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस होता है. But in case of medulla, there is posterior choroid plexus. यही posterior choroid plexus को represent करते हैं. बोलेंगे medulla में posterior choroid plexus होता है. ये posterior choroid plexus CSF secrete करता है. Clear? Forebrain में याद रखियो, forebrain में anterior choroid plexus होता है. ये रिलीज करता है सीएसएफ, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड. सीएसएफ का टोटल अमाउंट कितना होता है? 140 ml, 140 ml. सीएसएफ कितना होता है? 140 ml. इसमें आयंस होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, और डब्ल्यूबीसीज भी है इसमें, और बहुत सारी चीजें, वो आपको नहीं जानना. सीएसएफ के कारण ही ब्रेन का एक्चुअल वेट हमको नहीं पता चल पाता कि एक्चुअल ब्रेन का वेट कितना है. इसीलिए जब आपको कोई इस पे मारता है तो आपके दिमाग पे चोट नहीं लगती, शॉक एब्जॉर्बमेंट का भी काम कर देता है कौन? सीएसएफ. ठीक है, इतना नोट करिए, फिर हम आपको और बताते हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन. मैंने बोला मेडुला इज सेंटर फॉर इनवॉलंटरी एब्सेंस भी एक्शन से इनवॉल्यूटरी, वो सारे किससे कंट्रोल हो रहे हैं? यहां पर मेडुला से कंट्रोल हो रहे. अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर सिस्टम दैट इज रास सिस्टम इज आल्सो प्रेजेंटेड रास. इसके पहले आपको बताया गया था रास सिस्टम के बारे में, अगर आप रिकॉल करो तो दैट रास वाज आर ए एस रास एंड दिस रास इज आर ए एस. ठीक है, लेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्क्लेरल सिस्टम, रास सिस्टम. दिस वन इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम,
तीसरा सिस्टम इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, दैट इज नंबर ऑफ नर्व्स फॉर्म्स इन इट या इन दिस सिस्टम नंबर ऑफ नर्व्स फॉर्म्स पॉलीसिनैप्टिक पाथवे, पॉलीसिनैप्टिक पाथवे का फॉर्म है। जनरली मोनोसिनैप्टिक पॉलीसिनैप्टिक समझ गए, एक सिनैप्स है, मोनोसिनैप्टिक कई है पॉलीसिनैप्टिक। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप लाइब्रेरी में होते हैं या किसी पार्क में दो लोग होते हैं, जब एक दूसरे को देखते रहते हैं आसपास, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आपको ब्रेन जो है ना ये क्या करता है, अननेसेसरी सेंसरी इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर देता है। बेस्ट है जैसे आप लाइब्रेरी में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, तमाम एक्टिविटी चलती रहती है, बट आप फोकस्ड रहते हो, आपको पता है ये सब कुछ हो रहा है, समझ गए ना, सब कुछ हो रहा है, बट ब्रेन आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कौन आया था कौन गया था, वो अननेसेसरी सेंसरी इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर देता है ब्रेन में पहुंचने से पहले। बात समझ गए कौन सा सिस्टम, रास्ट सिस्टम। रेटिकुलर मतलब फिल्टर, समझ गए ना, उस फिल्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं जो अननेसेसरी सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक नहीं पहुंचने दे रहा है। एग्जाम्पल बोलेंगे या व्हाटएवर इसके लिए लिख सकते हैं, इट प्रिवेंट्स फिल्टर्स अननेसेसरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, ब्रेन में नहीं पहुंचने दे रहा। और एग्जाम्पल में आप लाइब्रेरी वाला याद रखेंगे तो आपको बहुत सारे और चीजें याद आ जाएंगी जहां पर जो अननेसेसरी की एक्टिविटी है वो आप ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर हियर आल्सो आप सारा फोकस इधर लगा रहे, अभी कौन क्या लिख रहा है क्या कर रहा है, आपका दिख रहा है कि वो हरकत कुछ कर रहा है बट आप नोटिस नहीं कर पा रहे, उस अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, वो कहा किस कारण हो रहा है, मेडुला का जो रास सिस्टम बन रहा है उसके कारण हो पा रहा है, ठीक है। सारे जितने वेंट्रिकल से सारे को एक साथ देख लेते फिर आपको भूलेगा नहीं। ठीक है जी, दो लैटरल वेंट्रिकल, देन बोल दिया डायसील, देन बोल दिया एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, और देन बोल दिया दैट इज मेटासील। ये जो दो लैटरल वेंट्रिकल्स है लैटरल वेंट्रिकल्स, इनको अपन बोलते हैं पैरासील, दिस वन इज डायोसील, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। फोर्थ को अपन बोलते हैं दैट इज मेटासील, क्या बोलेंगे, मेटासील बोलेंगे,
This one is aqueduct of Sylvius. ठीक है जी, अब और अगर अच्छे से देखो इधर प्लीज, तो ये तो तुम्हारा फोर्थ बेन का पार्ट हो गया, मिड बेन में नो वेंट्रिकल एंड दिस वन इज हाई, भूलेगा नहीं, याद रखना। दिस वन इज फोर बेन पार्ट, मिड बेन में अगेन बोलूंगा नो वेंट्रिकल एंड हियर दैट इज हाइंड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन, ये आपको बोलना है, ये वेंट्रिकल्स वाले क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे। अब इसके बाद भी अगर आप चौपट करते बात अलग है, ठीक इन्हीं के थ्रू सी एस एफ फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर मैंने बोला था दो मिलेंगे, दो लैटरल जिसको फोरामेन लुटिका बोलते हैं और एक मीडियल जिसको बोलेंगे मैग्नेटिक, दिस वन इज फोरामेन ऑफ लुटिका एंड दिस वन इज आल्सो फोरामेन ऑफ लुटिका एंड दिस वन इज फोरामेन मैग्नेटिक, और इसी के थ्रू कहां पे ओपन हो रहा है, ओपन इनटू सब अरेक्नॉइड स्पेस, ओपन इनटू सब अरेक्नॉइड स्पेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस में ओपन, ठीक है। वेंट्रिकल्स अगर बोलेंगे जो फोर्थ वेंट्रिकल लाइन वाई एपिक लाइन मैंने बता दिया सीएसएफ सीक्रेट करेगा, सीएसएफ का जो वॉल्यूम होगा दैट इज 140 ml, क्लियर। इसके कारण क्या करता है, ये बायंसी ब्रेन को प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जो ब्रेन का जो एक्चुअल वेट होता है, एक्चुअल वेट ब्रेन का होता है दैट इज 1.4 kg, और मैं फील कितना होता है 0.8 kg, इसके कारण इसी सीएसएफ दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के कारण क्या होता है, ये होता है शॉक एब्जॉर्बेंट, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बेंट होता है। अलोंग विद दैट हम लोग बोलते हैं इसको आल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड ऑफ ब्रेन, ब्रेन का टिश्यू फ्लूइड भी हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कहते हैं। इस तरह से आपका जो ब्रेन था फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन वो कम्प्लीटली खत्म हुआ। एंटायर अगर नर्वस सिस्टम में अभी तक क्या बताया आपको, तो आपको मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स बताया, देन हमने नर्वस सिस्टम का क्लासिफाई किया, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको ब्रेन पढ़ा दिया, ब्रेन में फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन और सारे वेंट्रिकल्स और सीएसएफ, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा दैट इज स्पाइनल पार्ट, स्पाइनल पार्ट। एक चीज याद रखिएगा, जो स्पाइनल कॉर्ड है इस कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेन, क्या ये कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का कंटिन्यूएशन, ठीक सुनना ध्यान से। जब आपने फिर अब डायरेक्ट ये ब्रेन ही बना लेते हैं, इतना अच्छा ब्रेन, डायरेक्ट ब्रेन, ठीक है, यहां से इसका कंटिन्यूएशन होता है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। एक्चुअली आपने पढ़ा होगा कि वर्टिब्रल कॉलम होते ना, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम से स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ छोटी होती है, बस समझ गए। जब आप वर्टिब्रल लिखिएगा कुछ नहीं तो शायद ये भी आपको घोटना ना पड़े। वर्टिब्रल कॉलम के लिए आप बोलते ना C7 CTLS, दिस वन 12, दिस वन 5, ये 5 फ्यूज करके 1 बना देते हैं एंड ये कॉकिक्स 1 होता है, ये तो आपको याद होगा,
ये एक्चुअली यहाँ पर आकर के कॉकिक्स जो है ना, ये कॉकिक्स, ये सैक्रल रीजन यहाँ पे इस तरह से, ये इस तरह से फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद ये कॉकिक्स एक टेल लाइक आएगा, उसको बोलेंगे कॉकिक्स। ये आएगा टेल लाइक, उसको बोलेंगे कॉकिक्स। ये हालांकि हमने एग्जैक्ट नंबर नहीं बनाए है इसके लिए, हमने इसके लिए एग्जैक्ट नंबर नहीं बनाए है। सर्वाइकल रीजन में 7 होंगे, थोरैसिक में 12 होंगे, लंबर में 5 होंगे। ठीक, हमने बोला ये इतना दिमाग में रखिएगा। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड मैंने बोला वर्टिब्रल कॉलम से उसकी लेंथ छोटी होती है। स्पाइनल कॉर्ड जैसे जैसे वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ से छोटी होती है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम बड़ा होता है। रीजन क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही वैसे वैसे वर्टिब्रल कॉलम भी आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड नहीं बढ़ता। जितना डेवलपमेंट उसका होना होता है वो फीटर लाइफ में हो जाता है, और अगर बोले अर्ली चाइल्डहुड में तो 6 साल तक मैक्सिमम बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, कहां से कहां तक इसका होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड का शुरुआत, स्पाइनल कॉर्ड का जो शुरुआत होगा वो C1 से C2 C3 बोलते C1 से फर्स्ट लंबर दैट इज L1 यहां तक होता है स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ। C1 मतलब सर्वाइकल के अपर पार्ट से, सर्वाइकल के अपर पार्ट से, C1 के अपर पार्ट से ये कहां तक होता है, L1 के लोअर पार्ट तक। ठीक है, ये सर्वाइकल और से लंबर तक का होता है स्पाइनल कॉर्ड, बाकी कुछ नहीं होता है। बाकी कॉन्टिनिवेशन होता है ऐसे, ये कॉन्टिनिवेशन होता है, नॉन नर्वस पार्ट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग टर्मिनल रीजन बोलते हैं, फाइनल टर्मिनलिस, कुछ फिल्म टर्मिनलिस बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं, जो कॉन्टिनिवेशन ऑफ ब्रेन, इट कम्स आउट ऑफ मेडुला, मेडुला से बाहर आता है। याद रखिएगा, मेडुला को अपन लोग बोलते हैं माइलिन सिथलॉन, क्या बोलते थे, माइलिन सिथलॉन, क्योंकि ये मेडुला से बाहर आ रहा है, इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को बोलते थे माइलॉन, क्या बोलेंगे, माइलॉन बोलेंगे, बिकॉज इट कम्स आउट ऑफ मेडुला, ये मेडुला से बाहर आ रहा है। मेडुला से बाहर किसके थ्रू आ रहा है, मेडुला से बाहर थ्रू आ रहा है फोरामेन ऑफ मैग्नम, किसके थ्रू, फोरामेन ऑफ मैग्नम के थ्रू आ रहा है। फोरामेन ऑफ मैग्नम इज द लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द बॉडी, फोरामेन मैग्नम इज द लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट फोरामेन, भूलना नहीं, फोरामेन लुचका, फोरामेन मैगेंडी, दैट वाज अनदर थिंग, दिस वन इज फोरामेन मैग्नम। एंड अगेन when you will form the spinal cord, then there you will find foramen of Monroe, M-O-N-R-O, Monroe, foramen Monroe, जिससे intervertebral ऐसे nerves निकले। बात समझ गए, तो confusion नहीं होना, इसीलिए इसको बता दिया गया। ये largest Magendie और लुचका वो आपको कहाँ पे मिले थे, वो आपको hindbrain पे दिखाई दिए थे, ठीक, medulla oblongata में। मेडुला से ये बाहर आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड किसके थ्रू आ रहा है, फोरामेन मैग्नम के थ्रू, और पास किसके थ्रू हो रहा है, पासेस थ्रू वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू पास। बात इतना समझ में आ गया, जैसे हमारे ब्रेन में 3 लेयर्स होते हैं, ब्रेन में हमारे कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी स्पाइनल कॉर्ड में 3 लेयर्स मिलेंगे, 3 मेनिंजेस मिलेंगे। बस समझिए कौन कौन से होंगे मेनिंजेस, एक होगा आपका ड्यूरा मैटर, यहाँ पे मैटर, ये मैटर अगर MATTER लिख देते वो अलग मीनिंग हो जाती है, ये मैटर अलग है, ड्यूरा मैटर। नेक्स्ट बोलेंगे अरेकनोइड, स्पाइडर वेब लाइफ, और नेक्स्ट बोलेंगे दैट इज बायो मैटर। यहाँ पे होता है सब ड्यूरल स्पेस, क्या होगा, सब ड्यूरल स्पेस, एंड हियर इट इज सब अरेक्नोइड स्पेस, सब अरेक्नोइड स्पेस।
खास बात क्या होती है जो सब ड्यूरल स्पेस इज फिल्ड विद फैट, किससे भरा होता है, फैट से भरा होता है, एंड सब रिक्वायर्ड स्पेस इज फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सब रिक्वायर्ड स्पेस किससे भरा होता है, CSF फिल्ड होता है, ये क्या होता है, फैट फिल्ड होता है। ठीक, सब ड्यूरल स्पेस यानी कि ड्यूरा मैटर जो है, ड्यूरा मैटर के बाहर एक स्पेस होता है जिसको हम लोग एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं। बट इन केस ऑफ ब्रेन एपिड्यूरल स्पेस नहीं होता, डायरेक्ट बोन वाला पार्ट आता है। तो याद होगा अगर आपको डायग्राम देखेंगे तो ये डायग्राम मतलब वो मैं नहीं खींचा, मैंने ऐसे एक बॉक्स बनाया था और मैंने बोला था ये ड्यूरा मैटर, ये सब ड्यूरल स्पेस है, यहाँ पर सीधा बोनी पार्ट था। तो ड्यूरा मैटर और बोनी पार्ट के बीच में यहाँ पे क्या वर्टिकल कॉलम, यहाँ पर इस तरह से सब ड्यूरल स्पेस है और इसके बाहर एपिड्यूरल स्पेस है। बात समझिए, जब भी कोई हमें इंजेक्शन दे रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड में, दैट इज गिवन इन एपिड्यूरल स्पेस। कहाँ पे देते हैं, एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं। तो एपिड्यूरल स्पेस आउटसाइड ड्यूरा मैटर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं क्या लिख रहा हूँ, दिस वन नेक्स्ट इज एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस जो है वो आउटसाइड ड्यूरा मैटर, इसी में इंजेक्शंस या मेडिसिंस इसी में दिए जाते, क्लियर है, समझ पाया, चलिए नोट कर लीजिए फिर आगे।